गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चार ऐसे रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और आपको काफ़ी देर तक ये ड्रिंक हाइड्रेट रखता है, जिससे हमारा दिमाग भी शांत रहे और मन भी खुश रहे। चार ऐसे अमेजिंग समर ड्रिंक जिसे आपको बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा, आप इसे मिनटों में बना सकते हैं और बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। आप किसी गेस्ट को भी इस तरीके से जल्दी बना करके सर्व कर सकते हैं। और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको पूरे दिन तरोताज़ा करके रखता है, ये आपको हॉट वाइन से लू से भी बचा करके रखता है। इसे बनाना तो आसान है ही, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपके घर में सभी को, बच्चे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आज की ये रेसिपी, समर ड्रिंक की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नींबू लिया है और यहाँ पर मैंने नींबू के कुछ स्लाइसिस भी लिए हैं डेकोरेट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पुदीने के पत्ते, जिसे मैंने अच्छे से धो करके अच्छे से वॉश करके लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है नींबू का जूस, नींबू का रस, और मैंने यहाँ पे लिया है 4 चम्मच चीनी शुगर, और साथ ही मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सामान है जो हमें ड्रिंक बनाने के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ड्रिंक बनाने के लिए सारी बेसिक चीज़ें इकट्ठा कर ली है। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पे अंगूर का जूस बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे काले अंगूर को लिया, आप चाहे तो हरे अंगूर का भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सारे अंगूर को डंठल से हटा दिया और अच्छे से वॉश करके रखा है। ब्लैक ग्रेप्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसे ले सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ इसे बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप काला अंगूर। मैं यहाँ पे 1 ग्लास के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 कप ले रही हूँ। आप ज़्यादा क्वान्टिटी में भी ले सकते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप काला अंगूर डाल दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते जो अच्छे से मैंने वॉश करके रखे थे। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच लेमन जूस, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर। तो मैं यहाँ पे चीनी 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा मीठा पीना पसंद करेंगे तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, इससे ड्रिंक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से डाल दी और अब मैं यहाँ पर इसे बंद करके अच्छे से ब्लेंड करूंगी स्मूद होने तक। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्मूद हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छे से पिस गया है। तो अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी और इसे एक छन्नी की मदद से स्ट्रेन करूँगी दूसरे बर्तन में। तो मैंने यहाँ पर अंगूर का जूस स्ट्रेन कर लिया है, इसे छान लिया है, और आप चाहे तो बिना छाने भी इसे बना सकते थे। तो इस तरीके से छान लेने से जो छोटे छोटे छिलके रह जाते हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ड्रिंक को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 ग्लास लिया और ग्लास में सबसे पहले हम आइस क्यूब्स डालेंगे, आप चाहे तो आइस को क्रश करके भी डाल सकते हैं। और अब आइस क्यूब्स डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अंगूर का जूस जो अभी हमने बनाया था। तो मैंने यहाँ पर सारा जूस नहीं डाला है, आधा ही डाला है, आप इससे 2 ग्लास जूस बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, आप चाहे तो इसकी जगह पर कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं, स्प्राइट वगैरह। और पानी डालने के बाद हम इसमें 1 नींबू का स्लाइस डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया और मैं यहाँ पे एक अंगूर से इसे गार्निश कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे थोड़े से पुदीने के पत्ते भी गार्निश कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ब्लैक ग्रेप्स समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार है और आप इसे पी करके इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए सर्व करें तो आप इसमें 1 स्ट्रॉ ज़रूर डाल दें, उन्हें स्ट्रॉ से पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप बच्चों के लिए सर्व करें। तो आप भी इस तरीके से गर्मियों में कूल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएं और सभी के साथ एंजॉय करें। तो यहाँ पे हमारा एक ड्रिंक बन करके रेडी है और अब हम चलते हैं दूसरा ड्रिंक बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दूसरा ड्रिंक बनाने के लिए लिया है ऑरेंज, तो मैं यहाँ पे दूसरा ड्रिंक ऑरेंज से बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 ऑरेंज लिया है और बाकी के बेसिक चीज़ें सारी वही है। तो दूसरा ड्रिंक हम संतरे से बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे संतरे को छील करके इस तरीके से स्लाइसेस अलग कर लिए और इसके हम जूस निकाल देंगे। तो मेरे पास जूसर है, तो मैं संतरे के जूस उसमें निकाल ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर संतरे का जूस निकाल लिया और मैंने यहाँ सर्व करने के लिए 1 ग्लास लिया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्लास में आइस क्यूब डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे आइस क्यूब डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑरेंज जूस, तो मैंने यहाँ पे सारा ऑरेंज जूस डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, तो आप इसकी जगह कोल्ड ड्रिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रिंक के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी काला नमक, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच शुगर पाउडर,
टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हैं आप, और जितना मीठा पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को पीस करके पाउडर बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते, इस तरीके से तोड़ करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच लेमन जूस। तो आप चाहे तो यहाँ पे लेमन जूस स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि संतरे कभी कभी खट्टे मीठे भी होते हैं तो इसका टेस्ट आ जाता है। इसके बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक संतरे से इसे गार्निश कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पुदीना का पत्ता भी डेकोरेट कर दिया है इस तरीके से सर्व करने के लिए। तो आप चाहे तो इसमें लेमन स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉ से मिक्स करें। और यहाँ पे हमारा ऑरेंज ड्रिंक बन करके रेडी है, तो आप इसे पिए और इन्जॉय करें। तो यहाँ पे आपने देखा इस ड्रिंक को बनाना कितना आसान है और बहुत इजीली आसानी से बन जाता है। तो इस तरीके से आप गर्मियों में इस ड्रिंक को बनाएं और इन्जॉय करें। और आप इसे देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है और पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। तो इस तरीके से आप हाइड्रेट रहने के लिए इस तरीके से ड्रिंक बना करके आप पी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ड्रिंक भी रेडी है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रिंक बनाने के प्रोसेस में। और मैंने यहाँ पे ड्रिंक बनाने के लिए लिया है क्यूकम्बर। तो मैं यहाँ पे खीरे का जूस बनाने वाली हूँ। तो आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं गर्मियों में खीरा कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारे शरीर को ठंडक पहुँचाता है। तो इस तरीके से आप क्यूकम्बर का जूस बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड को हटा दिया और इस तरीके से छिलके के साथ ही इसे कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे पील ऑफ भी कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में सारे क्यूकम्बर को डाल देंगे, कटे हुए खीरे को डाल देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना के पत्ते। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जूस का। तो इस तरीके से आप, इसके बाद मैं यहाँ पे लेमन जूस डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है, सादा नमक। और अब मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। आप चाहे तो इसे पीसने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया है इस। और अब हम इसे छान करके इसका जूस अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से स्ट्रेन कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा खीरे का जूस रेडी है। और मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया है सर्व करने के लिए। इस ग्लास में खीरे का जूस डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे अलग से पानी नहीं लिया है, क्योंकि हमने खीरे को पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे एक खीरे से एक ग्लास जूस बन करके रेडी है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आइस क्यूब। गर्मियों के लिए समर ड्रिंक बना रहे हैं तो इसमें आइस क्यूब्स तो जाएगी ही। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेमन स्लाइसेस से इस तरीके से गार्निश कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना का पत्ता। तो यहाँ पे हमारा क्यूकम्बर ड्रिंक, खीरे का जूस बन करके रेडी है। और खीरा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हम गर्मियों में अक्सर खीरे का सैलड बना करके खाते हैं, इस तरीके से आप जूस बना करके भी पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप गर्मियों में खीरे का ड्रिंक बनाएं, खीरे का जूस बनाएं और इस तरीके से बना करके आप इंजॉय करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रिंक बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे लिया है नेक्स्ट ड्रिंक बनाने के लिए, मैं बीट रूट, मैंने यहाँ पे चुकंदर लिया है और इसे छील करके कट कर लिया है। आपको पता होगा कि ये खून के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे बॉडी में ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे स्किन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये बीट रूट। बहुत लोगों को चुकंदर खाना पसंद नहीं है, तो आपको इसे खाना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप जूस बना करके पी सकते हैं। इस तरीके से आप जूस बनाते हैं तो इस बीट रूट के आपके फ़ायदे भी मिल जाएंगे और टेस्ट भी बढ़िया होगा। तो इस तरीके से मैंने एक ग्राइंडिंग जार में बीट रूट को काट करके लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आधा चम्मच सादा नमक डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काला नमक भी डाला है थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने यहाँ पे पुदीना पत्ते भी डाले हैं थोड़ा सा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेमन जूस डाला है, तो मैंने यहाँ पे हाफ लेमन जूस डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करके मैं इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी और इसे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से डाल दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाने तक इसे पीस लूँगी। तो इस तरीके से आप अच्छे से पीस ली बहुत पतले ग्राइंड होने तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से पीस गया है चुकंदर। तो यहाँ पे हमारा बीट रूट का जूस बन करके रेडी है। और यहाँ पे हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जूस निकल जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा टेस्टी सा चुकंदर का जूस बन करके रेडी है। और यहाँ पे आप इस तरीके से बीट रूट का जूस बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्विंग ग्लास में जूस डाल दिया है बीट रूट का। और अब मैं यहाँ पे जूस डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। तो मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पहले ही डाल दिया था। तो अब मैं यहाँ पे लेमन स्लाइसेस और पुदीने के पत्ते से गार्निश कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप गार्निश कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बीट रूट जूस बन करके रेडी है। और ये सच में बीट रूट का चुकंदर का जूस पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो जो लोग चुकंदर खाना नहीं पसंद करते हैं वो इस तरीके से जूस बना करके पिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। एंड नाउ लुक एट दिस, वाओ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सारे ड्रिंक बन करके रेडी है। और यहाँ पे आप देखो कितने रंग बिरंगे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है। और इसे पीने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और फ़ायदेमंद भी है। तो इस तरीके से आप हेल्दी ड्रिंक जूस बना करके रेडी कर सकते हैं और आप इसे हर दिन पी सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और यहाँ पे आपको सारे ड्रिंक्स हेल्दी हैं। तो इस तरीके से आपको हाइड्रेट भी रखता है और आपको हेल्दी भी बनाए रखता है। तो आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? गर्मियों में आप कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्रिंक बनाना पसंद करते हो, पीना पसंद करते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे ये 4 अमेजिंग ड्रिंक रेसिपी रेडी है। आप इससे बनाओ, एंजॉय करो। और आपको ये सारे ड्रिंक अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गर्मियों की और भी रेसिपी बहुत जल्द आने वाली है। फिर चाहे ड्रिंक हो या फिर आइसक्रीम हो या फिर कोई भी समर रेसिपी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।